so let us come to the last of the exercise among article and that is visual visual input kya hai let us do one question as an example you see a picture here where uh, a teacher in front of a building is sitting along with the students surrounded by students students are sitting around him and he is holding a book and is trying to Read something. That is the picture. Now, what is the question? The question is a statement first. And the statement is, according to 2011 census, census kya hota hai? Now, again, you will be in problem if you do not know the meaning of the word. So again, a warning to you to learn words एवरी डे सेंसस मतलब जनगणना अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड एलेवन सेंसस लिटरेसी रेट ऑफ लिटरेसी रेट ऑफ हंड्रेड परसेंट ऑफ अराउंड बाई ओनली ए कपल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया जो लिटरेसी रेट है वो जो हमने पाया है अच्छा रेट वो बहुत कम राज्यों को मिला है बहुत कम राज्यों में पाया है इिटरेसी इज फाउंड मोस्टली अमंग दिज स्टेट what is literacy and illiteracy literacy means शिक्षित और illiterate मतलब अशिक्षित अब हमारे यहाँ लिटरेसी और इलिटरेसी की परिभाषा क्या शिक्षित होना मतलब क्या बारहवीं पास होना तभी शिक्षित कहलाएगा दसवीं पास होना तभी शिक्षित कहलाएगा या कॉलेज पास होना तभी शिक्षित कहलाएगा प्लीज नोट दैट लिटरेसी इन इंडिया मीन्स वॉट लिटरेसी इन इंडिया मीन्स रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक, इसको शॉर्ट में कहते हैं थ्री आर और नीचे छोटा एस एस यानी बहुवचन में थ्री आरस रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक, जिसको पढ़ना लिखना आ जाए जिसको पढ़ना आ जाए जिसको लिखना आ जाए और जिसको अरिथमेटिक यानी आधारभूत गणित आ जाए वह कहलाता है लिटरेट इसका जो प्रतिशत है लगभग पूरा पूरा हमारे यहाँ के कुछ राज्यों ने पा लिया है बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर स्टिल इलिटरेट एंड ए गुड सेक्शन अमंग द ओल्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इज नॉट कंप्लीट हाउ कैन द यूथ नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वॉट कैन द यूथ डू टू स्प्रेड लिटरेसी इन सोसाइटी सोसाइटी में लिटरेसी को फैलाने के लिए यूथ क्या कर सकता है यूथ यानी जवान लोग जवान लोग क्या कर सकते हैं ये एक सवाल है और फिर क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल ऑफ अबाउट टू हंड्रेड वर्ड्स ऑन टाइटल इज गिवन रोल ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट यानी यूथ कम्युनिटी का एक वर्ग है स्टूडेंट स्टूडेंट्स आर ऑल यंग तो एज ए स्टूडेंट व्हाट रोल कैन यू प्ले इन इरेडिकेटिंग इलिटरेसी टू इरेडिकेट मतलब समाप्त करना हटाना आमूल चूल रूप से हटा देना इरेडिकेट ए डिसीज एक बीमारी को समाप्त कर देना फ्रॉम इंडिया पोलियो हैज बीन इरेडिकेटेड पोलियो एक बीमारी होती है आप जानते हैं वो बीमारी भारत से पूरी तरह हटा दी गई है We have not totally eradicated smallpox from India to eradicate malabhatana Samap to karna. so role of a student in eradicating illiteracy that is our topic that is the title as given by the examiner. now you have to write an article on this you are Praveen Oja Aapka naam bhi de diya. मैंने जैसा बताया आप क्या हैं यू आर प्रवीण ओझा अब देखिए इन विजुअल आपको यह देखना है कि विजुअल में इनपुट क्या है जैसा वर्बल में आपको चार इनपुट और छह इनपुट मिला था विजुअल में यहां पर कोई ऐसा इनपुट नहीं है विजुअल इनपुट है वर्बल इनपुट नहीं है देर इज नो वर्बल इनपुट विजुअल इनपुट इज गिवन एंड वॉट इज गिवन इन द पिक्चर ए मैन स्टैंडिंग सराउंड बाय स्टूडेंट सिटिंग ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ वॉट लुक्स लाइक ए स्कूल बिल्डिंग एक स्कूल बिल्डिंग जैसा दिखाई देता है उसके सामने खड़ा हुआ है और उसके हाथ में किताब है और ये स्टूडेंट लोग उसको सुन रहे हैं बस दैट्स ऑल और इसमें आपको लिखना है स्टूडेंट का क्या रोल होगा इन लिटरेसी को हटाने में एंड सो वॉट कैन बी राइट हमारे पास क्या नॉलेज है इलिट्रेसी लिटरेसी के बारे में हम क्या जानते हैं पहली बात तो उसने कहा है कि इंडिया वी हैव नॉट बीन एबल टू रिमूव इलिट्रेसी टोटल लिटरेसी हमारे यहाँ नहीं आई है यानी अभी तक 100 परसेंट लोग रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक नहीं समझ पाए हैं दूसरी बात आप लिख सकते हैं कि लिटरेसी मीन्स वाट reading, writing, arithmetic. In 1947, what was the figure? And today it is what? Definitely, the situation has improved over the years. But still, we are miles away from total literacy. We are far behind in total literacy. We have to do quite a lot in this field. And because we have to do quite a lot, वी कैन प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कैसे निभा सकते हैं कहना सरल है बट हाउ कैन वी डू दैट फर्स्टली हाउ केन वी प्रमोट लिटरेसी ड्यूरिंग समर वेकेशन वी कैन होल्ड लिटरेसी क्लासेस कहा नॉट इन स्कूल्स स्कूल में तो जो आते हैं तो पढ़ने आते ही हैं बट वी कैन होल्ड दीज क्लासेस इन स्लम एरियाज इन इंटीरियर विलेज एंड एट दो प्लेस वेयर देर आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल वेज पुअर पीपल लिविंग इफ यू गो टू कैलकाटा कैलकाटा न्यू मार्केट नया बाज़ार जिसको बोलते हैं और इफ़ यू गो टू कनाट प्लेस इन डेली तो कनाट प्लेस और नया बाज़ार की बिल्डिंग को आप देखिए तो सुबह पाँच बजे उसके जो चारों तरफ का बरामदा है वो बरामदा खाली रहता है क्योंकि दुकानें ग्यारह बजे खुलती हैं या दस बजे खुलती हैं तो पाँच बजे से दस बजे तक इतने बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है कनाट प्लेस का और नया बाज़ार का उसकी उसका जो बहुत बड़ा बड़ा बरामदा है आप देख रहे हैं वो खाली रहता है मैनी चिल्ड्रन फ्राम एजुकेटेड फैमिलीज दे गो देयर विथ ए वाइट बोर्ड विद अ मार्क पेन एंड विद अ बोर्ड स्टैंड एक्सेट्रा वो चले जाते हैं और एक दुकान के सामने जिसका शटर गिरा हुआ है वहाँ पे ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड लेके खड़े हो जाते हैं और जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते वो वहाँ कर बैठते हैं कभी दस कभी पंद्रह और उसके बाद दो घंटे तक वो बच्चे पढ़ाते हैं चिल्ड्रन हुर स्टडिंग क्वालिटी एजुकेशन हु आर लिटरेट हु आर वेल रेड दे आर प्रोवाइडिंग बेसिक लिटरेसी टू इिटरेट पीपल एवरी डे इन द मॉर्निंग पर्टिकुलरली ऑन सैटरडे और सन्डे ख़ास कर सप्ताह में दो दिन तो ये बच्चे जाते हैं और ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चों को और बड़ों को भी ये जो क्लासेस चलती हैं ये बच्चों के लिए कम है स्लम स्लम मतलब क्या होता है स्लम मतलब एस एल यू एम स्लम मतलब आ, ऐसा गंदा क्षेत्र जहाँ पर लोग रहते हैं गरीब लोग जहाँ पर रहते हैं बहुत भीड़ लगा के छोटी छोटी झुग्गी झुपड़ियों का जो भंडार लगा रहता है उसे स्लम कहते हैं स्लम में रहने वाले बड़े बूढ़े लोगों को महिलाओं को पुरुष को वहाँ पर बुलाते हैं और उनको बैठाते हैं और उनको रीडिंग राइटिंग और एथमेटिक्स सिखाते हैं अब साडा ए बी सी डी और वन टू थ्री फोर आदि उनको सिखाया जाता कैन वी डू दैट यदि कलकत्ता बॉम्बे और इन जगहों में ऐसा हो रहा है इन असम क्लास सिक्स सेवन एट स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स वे आर सीन बाय मी गिविंग सच काइंड ऑफ लेक्चर्स और टेकिंग सच काइंड ऑफ क्लासेस ऑन वीकेंड्स ऑन हॉलीडेज एंड फुल ऑफ समर एक्सपेक्टिंग नो मनी इन रिटर्न उसके बदले ये छठवीं सातवीं आठवीं के अच्छे बच्चे किसी पैसे की उम्मीद नहीं कर रहे थे बल्कि उसमें उनको जो संतुष्टि मिल रही थी डेट वॉज आई ओपनिंग सो यू हैव टू मैंशन दीज एग्जाम्पल्स एंड यू हैव टू मैंशन दैट एफर्ट कैन बी मेड बाई यू ऑल इन प्रमोटिंग लिटरेसी ऑल अक्रॉस एंड अमंग एजड पीपल लिटरेसी अमंग विलेज वीमेन लिटरेसी अमंग विलेज फार्मर्स एंड सच कम्युनिटीज who are absolutely you know, just uh, they, they, they don't know. they just use their fingers. they can't read one line, they can't read one word. So helping out such how youth how you as a student can help in this. So you can play a very important role in summer vacation by taking classes in slums, jogi Jopri and all that. These classes, आर नॉर्मली हेल्ड आईधर वेरी अर्ली मॉर्निंग कब होगी ये क्लासेस आईधर यू टेक द क्लासेस वेरी अर्ली मॉर्निंग और मे बी इन द इवनिंग आफ्टर ऑल दिस पीपल हु आर इलिटरेट आर फ्री फ्रॉम देयर रूटीन वर्क फ्रॉम देर सैलरी जो रोज के जो मजदूर होते हैं जो मकान बनाने में सड़क बनाने में अन्य ऐसे कार्यों में नहर खोदने में इनमें लगे रहते हैं ये लोग अशिक्षित हैं ये लोग शाम को कुछ समय के लिए ज़रूर समय देते हैं यदि उनको सही प्रेरणा दी जाए तो एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो टेक क्लासेज फॉर चिल्ड्रन ऑफ सच फैमिलीज हु आर यूजली अवेलेबल इन डे टाइम एज दे गो टू देयर ऑन देयर वेजेस वेजेस मतलब अपनी कमाई के लिए जब जाते हैं वहाँ से वापस आने के बाद या कमाई पर जाने के पहले सुबह सुबह इनकी क्लास ले लिया सो दैट वे यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट नॉट ओनली कैन यू यू कैन राइट इन योर आर्टिकल दैट लिटरेसी कैन बी इंक्रीज इम्प्रूवड अपॉन बाई इम्पार्टिंग स्किल्स ऑल्सो टू इम्पार्ट मीन्स टू गिव टू इम्पार्ट मीन्स टू गिफ्ट To give knowledge, impart knowledge, impart education, impart learning, impart skills. So we can also impart some kind of skills through songs, through slogans, and also teach them values of small family, health, hygiene, etc. Literacy is not anyhow. कि हम केवल थ्री आर पढ़ा के रुक जाएं हम वहाँ पर उनको छोटी फैमिली के फ़ायदे हाइजीन के फ़ायदे हाइजीन मतलब स्वास्थ्य अच्छा स्वास्त, सफाई हाइजीन मीन सफाई देख लीजिए स्पेलिंग क्या है एच वाई जी आई ई एन -e, ई हाइजीन और स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य को रखने के लिए क्या ज़रूरी है हाथ कैसे धोना है ब्रश कैसे करना है शरीर की सफाई कैसे करनी है स्नान आदि के तरीके और ये सब बातों को हम उनको बार बार पढ़ा सकते हैं सो इन अदर वर्ड दी लिटरेसी क्लासेस विल नॉट ओनली हेल्प इन इम्प्रूविंग द लिटरेसी बट इट ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग योर ओन पर्सनल हाइजीन देयर 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 हेल्थ एंड सो सोन सोफो वी कैन मोटिवेट देम नॉट टू गो फॉर ड्रिंकिंग कैन मोटिवेट दैम नॉट टू गो फॉर टोबैको बाई हाई लाइटिंग द बैड फीचर्स ऑफ दिस थिंग इसकी जो बुराइयाँ हैं ईविल्स ऑफ ड्रिंकिंग ईवल्स ऑफ टोबैको टेकिंग ईवल्स ऑफ स्मोकिंग एक्सेट्रा दे कैन भी हाईलाइटेड वी कैन मोटिवेट दम ऐसे ही बहुत से जो सोशल इविल्स हैं उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं उनसे वी कैन ऑल्सो टॉक टू दैम बाय सोशल सोशली लाइक चाइल्ड मैरिज बाल विवाह जो गांव में आज भी बहुत जगह चल रहा है वी कैन ऑल्सो टॉक टू दैम अबाउट अ कास्ट सिस्टम विच इज़ अ बैड थिंग एंड एज आई सेड अबाउट ड्रिंकिंग एट्सट्रा एंड वी कैन हेल्प रिमूव सच बैड थिंग्स फ्रॉम द माइंड ऑफ दीज पुअर पीपल from the minds of these lowly placed people lowly placed in the society lowly placed समाज की नजर में जो नीचे हैं नीचे तबके के लोगों में जो ये बुराइयां हैं उनको हटानी those who are living in slum we can tell them how to keep their own house in order सफाई कैसे रखें स्लम में रहते हुए भी सफाई हो सकती है टुडे इफ यू गो टू सम विलेजेस सम ऑफ द विलेज विल फाइंड आट सो क्लीन दैट दे आर मच क्लीनर दैन द सिटीज एंड टाउन्स बिकॉज द विलेज पीपल देम सेल्व हैव टेकन द पेन ऑफ मे कीपिंग देयर ओन विलेज क्लीन गाँव के लोगों ने बुजुर्ग लोगों ने महिलाओं ने स्वयं ने अपनी मेहनत से कुछ अपने गाँव को इतना सुंदर साफ बनाया है कि दे आर एग्जाम्पल्स इन इंडिया सो कैन बी नॉट मोटिवेट सो दिस वे वी कैन प्ले द रोल

क्लास फ़ोर का एग्जाम फिर क्लास फाइव का एग्जाम ऐसा करते करते क्लास एट तक गांव वाले पढ़ लें तो बहुत फायदा होगा इलिट्रेसी काफ़ी कुछ कम होगी और अशिक्षित आदमी जितना समाज के लिए खतरा होता है उससे ज़्यादा खतरा दूसरी चीज़ नहीं एक शिक्षित आदमी एजुकेटेड मैन मेक्स मैनी जनरेशंस एन अनएजुकेटेड मैन स्पॉयल्स मैनी जनरेशन एक अशिक्षित आदमी के यदि चार बच्चे हैं चारों बच्चों को अशिक्षित रख रहा है और वो चार बच्चे बड़े होते हैं तो उनका अपना परिवार बनता है सोचिए एक आदमी से दस पंद्रह लोगों का परिवार बना और वो सब अशिक्षित क्या करेंगे समाज में सो वी हैव टू मेक श्योर एज ए स्टूडेंट वी कैन प्ले द रोल ऑफ कनेक्टिंग The villagers with education department looking for ways to allow them to appear for examination and make them neo literate, ne literate. In neo literate, and thus they can become middle class pass, primary class pass. They can also remove many of these evils. Similarly, these students. Can also help as a student. You can also help not only in eradicating illiteracy, not only removing many of the evils, many of the evils, social evils, as I discussed, but at the same time, you are also channelizing their mind to constructive things. थर्ड वे इन विच यू कैन प्ले वेरी इम्पोर्टेंट रोल इज़ आप इनका जो दिमाग है गांव वालों का इनको कंस्ट्रक्टिव अच्छे काम की ओर लगा रहे हूँ यदि ये लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे अच्छी बातें आपसे सीखेंगे अच्छे वैल्यूज सीखेंगे तो इनके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे अपराध कम होंगे चोरी चपाटी कम होगी गलत काम कम होंगे और इनके पास समय नहीं रहेगा दूसरे फालतू काम करने का फालतू बात सोचने का दे विल नॉट बी इन टू ड्रिंकिंग दे विल नॉट बी इन टू स्टीलिंग दे विल नॉट बी इन टू फाउल लैंग्वेज दे विल नॉट बी इन टू ऑल काइंड ऑफ नो मारपीट एंड सो ऑन सो दे विल नॉट बी फाइटिंग विद ईच अदर दे विल बी पीस लविंग पीपल एंजॉइंग देयर इवनिंग इन ब्यूटिफुल क्लास रूम्स अंडर योर केयर So we can also write that point that role of the student can be manifold. As a student, we can play many role, many crucial role in diverting their energy and also channelizing their energy to constructive activities. Constructive, destructive, Tor phol ka dimag Jodne ka dimag. Aisa dimag jo positive chahi so we can that is how this article now which is based on visual so we can say that through this input we can make out that he intends to promote students involvement in eradicating illiteracy and the title is role of a student in eradicating illiteracy right now here, I just read one question and I leave it to you the answer. What is the question? That's again a visual. And this question is again taken from the past examples that may be given in your book. And the question is just read it. Increase in the number of private vehicles has caused problems like rising accidents, traffic jams, lack of parking space. रोड रेज एटसेट्रा आप समझ गए कि टॉपिक क्या है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स व्हीकल्स पर है टॉपिक इज ऑन द व्हीकल इनकी बढ़ती संख्या और इनकी बढ़ती संख्या से क्या क्या समस्याएं हो रही हूं तो प्रॉब्लम्स इज मैंशन द क्वेश्चन इट सेल्फ इट कॉजेज एक्सीडेंट ट्रैफिक जैम्स लैक ऑफ स्पेस पार्किंग स्पेस road rage lot of expenses on fuel uh, pollution etc now what is the solution the question is the solution to this is the use of public transport the examiner himself is giving solution and he says the use of public transport like buses metro tram share auto share taxis can solve many of these problems so the question is write an article in about 120 to 150 words on importance of public transport so what is the title of the article importance of public transport so you have to mention what is transport you have also to mention why the types of transport public and private you also have to mention the impact of large transport large number of vehicles thereafter you have to say how can large number of vehicles be avoided and by avoiding large number of vehicles on the roads we are saving ourselves from these problems the last point is how can we avoid use of so many vehicles on the road by public transport give examples of public transport delhi metro is one of the best examples of public transport विच इज़ बींग यूज बाई लैक्स ऑफ पीपल दिल्ली में मेट्रो ट्रेन आने के पहले जो नौकरी पेशा व्यापारी काम करने वाले लोग थे उनको 10-10 20-20 किलोमीटर जाना होता था तो दे टू गो बाय देर ओन व्हीकल स्पेंडिंग सो मच मनी कॉजिंग सो मच पोल्यूशन सो मच जैम सो मैनी एक्सीडेंट एंड व्हाट नॉट एंड ट्रैफिक लोड ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड ना विद मेट्रो कमिंग वाइट एन इम्प्रूवमेंट ऑन द ट्रैफिक सिचुएशन इन डेली अब लाखों लोग ट्रेन से जाते आते हैं और समय बचता है यदि वो अपनी कार से जाते थे तो जहाँ डेढ़ घंटा लगता था वहाँ मेट्रो से उसी जगह को जाने में बीस मिनट लगता है सो दीज आर द एडवांटेजेस नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन और आई विल नॉट राइट एन आर्टिकल फॉर यू इट इज़ फॉर यू टू राइट एन आर्टिकल ऑन दिस एंड स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज दिस इज जस्ट A hint to you that the article is about public transport and its benefits.